ओके आइए आइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। केवल आधा घंटा काफी है। आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता होगा ना कि अचानक से किसी गेस्ट के आने की खबर मिल जाती है और फिर हम परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या बनाया जाए। अरे मैं हूँ ना, आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। ये है शुरुआत एक नई सीरीज की, 3 course meal विद पंकज इन 30 मिनट्स, जहाँ कुछ ऐसे 3 course meal ऑप्शंस आपके साथ शेयर करूंगी जो बन जाएंगे केवल 30 मिनट्स में। और हमारा आज का मेन्यू है भेलपुरी कप्स फॉर स्टार्टर्स, एन इजी पनीर मखनी, मटर बड़ी पुलाव एंड क्यूकम्बर रायता एंड केसर इलायची फिरनी। अब चाहे फैमिली आए या फ्रेंड्स, 30 मिनट में आपका खाना भी तैयार हो जाएगा और आप अपने गेस्ट के साथ बैठ करके आराम से बातें भी कर सकेंगे। तो खाना जल्दी भी बन जाए और इज्जत भी रह जाए, इसके लिए 2 मिनट रुकिएगा और पहले एक प्लान बना करके शुरुआत कीजिएगा। आपको जो डिश बनाने में सबसे ज्यादा समय लगेगा ना, पहले उससे शुरुआत कीजिएगा। जैसे कि हमारी फिरनी को पकने में और ठंडा होने में कम से कम 20-25 मिनट लग जाएंगे, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिरनी के साथ। अब इसके बाद पुलाव को भी पकने में कम से कम 15 से 20 मिनट तो लग ही जाएंगे, तो दूसरा हम काम क्या करेंगे, पहले हम पुलाव बना लेंगे। अब क्योंकि पनीर 10-15 मिनट में बन जाएगा ना, इसीलिए इसके बाद बनाएंगे पनीर। अब जब तक पनीर पकेगा तब तक हमारा रायता भी रेडी हो जाएगा और एंड में आप अपना स्टार्टर भेलपूरी कप की तैयारी कीजिएगा, ताकि वो रखे रखे सौगी ना हो जाए। तो अब ये रेडी हो गया हमारा फ्लो ऑफ द डे, कैसे 30 मिनट में हमको अपना पूरा मेन्यू आज का प्रिपेयर करना है। तो फिर शुरू करें। तो शुरुआत करते हैं हम फिरनी के साथ, और उसके लिए सबसे पहले दूध उबालने के लिए हम चढ़ा देते हैं। तो 1 लीटर दूध पहले यहाँ पे उबालने चढ़ा लिया जाए। अब तकरीबन 1/4 कप मैं यहाँ पर चावल ले लूंगी और इस चावल को अच्छे से धो करके ना थोड़े से दूध के साथ पीस करके इसका एक फाइन पेस्ट प्रिपेयर कर लूंगी। अब ये जो पिसी हुई चावल है हमारी, इसमें थोड़ा सा पहले गरम दूध मिलाएंगे और तब इसे हम दूध में ऐड करेंगे। इसको टेम्परिंग कहते हैं भाई, और ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि जब आप चावल अपने दूध में ऐड करें ना, तो इसके लम्स ना पड़ जाएं, ये इकट्ठा ना हो जाए, नहीं तो क्या होगा, चावल दूध में जाएगा और इस पे गिटके पड़ने लग जाएंगे। सो टू प्रिवेंट दैट, छोटा सा नुस्खा, पहले इसमें मिलाइए गरम मिल्क एंड देन यू ऐड इट टू योर बॉइलिंग मिल्क। तो अब एक तरफ मैं अपनी फिरनी पकने के लिए चढ़ा देती हूँ और यहाँ पर पुलाव की तैयारी कर लेते हैं। बस फिरनी पकाते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है कि बीच में हमें इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते जाना है, ठीक है। अगला क्या था हमारे प्लान के अकॉर्डिंग, पुलाव को चढ़ाना। तो पुलाव के लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि 2 कप चावल ले लेंगे और इस चावल को अच्छे से धो करके रख लेंगे। अब ये चावल को धो करके मैं भिगो के नहीं रखूंगी, सीधे इसको पुलाव के लिए छौंक दूंगी। उसके लिए चढ़ाते हैं हम अपनी बड़ी सी कढ़ाई या पैन, ऑफ कोर्स आप चाहें तो ये काम एक प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। अपने पैन में पहले तो मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल, और जब तक ये ऑयल गर्म होता है तब तक एक और इंग्रेडिएंट हम प्रिपेयर कर लेते हैं, और वो है ये वड़िया। ये है पंजाबी मसाले वाली उड़द दाल की वड़िया। आप चाहे तो मूंग बड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी कि मूंग दाल की बड़ी का, और नहीं तो ये उड़द दाल की बड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ एक्चुअली ये वड़ी मटर का पुलाव जो है ना, एक बहुत ही ट्रेडिशनल पंजाबी डिश है एंड काफी फ्लेवर होता है इसमें, थोड़ा सा तीखापन होता है जो बहुत अच्छा लगता है, एंड इट इज गोइंग टू ब्यूटिफुली कॉम्प्लीमेंट द पनीर डिश दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे, क्योंकि वो पनीर है बेसिकली एक टमेटो बेस्ड डिश। तो इस वड़ी को पहले थोड़ा समय क्रश कर ले रही हूँ, और इसके बाद इसको अब मीडियम हॉट ऑयल में ये वड़ियों को हम फ्राई कर लेंगे। वड़ियों को फ्राई करके निकाल के अब इसी तेल में ना ऐड कर देंगे हम अपने कुछ होल स्पाइसेस, पुलाव है उसको एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए। जैसे कि मैं ऐड कर रही हूँ इसमें ये 2 बे लीव्स, इसी के साथ 3 से 4 छोटी इलायची,
एक चम्मच काली मिर्च के दाने, आधा चम्मच जीरा, और पहले इनको हम अच्छे से स्प्लैटर कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा था, भूलिएगा नहीं, अपनी फिरनी को भी चलाते रहिएगा जब तक इसका चावल अच्छे से गल नहीं जाता। अब ये मसाले भी स्प्लैटर कर चुके हैं। अब इसमें मैं ये वॉश किया हुआ राइस डाल के राइस को 2 से 3 मिनट के लिए भून लूंगी, जब तक कि उसमें भी एक हल्का सा ग्लॉस नहीं आ जाता। अब देखिए, ये जो चावल है इसका सारा पानी सूख गया है और इस पे कैसे एक ग्लॉसी सा अपीयरेंस आ गया है, एक चमक आ गई है, और आप नोटिस करेंगे कि हल्का सा चावल का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। एट दिस स्टेज जितना चावल मैंने लिया था ना उसका दुगना, यानी कि अगर मैंने 2 कप चावल लिया है तो उसका दुगना 4 कप पानी ऐड करके मैं इसे ढक के पकाने के लिए चढ़ा दूंगी। वैसे आप चाहें तो इस पुलाव को प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, और अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हो ना तो आप इसमें दुगने की जगह केवल 1.25 गुना पानी डालेंगे, यानी कि अगर 2 कप हमने इसमें चावल लिया हुआ है तो उसका 1.25 गुना 2.5 कप पानी डाल करके तब प्रेशर कुक करेंगे, केवल 1 सीटी आने तक। अब डालते हैं हम इसमें सॉल्ट टू टेस्ट, और इसी के साथ ये जो वड़ियां हमने तल के रखी थी ना, ये वड़ी भी हम इसमें वापस डाल देंगे, ताकि ये वड़ी भी आप चावल के साथ साथ पक जाए। अब एक बार अपनी फिरनी भी चेक कर ली जाए तो चावल तो मुझे लग रहा है काफी अच्छे से गलने लग गया है, क्योंकि चावल पिस चुका है ना, इसलिए बहुत जल्दी बहुत इजीली ये गल जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा केसर, केसर इलायची फिरनी बना रहे हैं ना इसलिए। अब ये चावल भी अच्छे से पक चुका है तो फिरनी में अब चीनी डालने की बारी आती है। अब फिरनी काफी ज्यादा मीठी नहीं होती है इसलिए इसमें चीनी थोड़ी सी कम ऐड करी जाएगी। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूं 1/4 कप चीनी, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। चीनी डालने के बाद आप नोटिस करेंगे कि चीनी ने काफी पानी छोड़ दिया है, बस 2 से 3 मिनट के लिए ये चीनी को भी और पका लेंगे। वैसे अभी हमारे पास केवल 16 मिनट बच गए हैं तो काम थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। पुलाव भी पक रहा है, 2-3 मिनट में फिरनी भी रेडी हो जाएगी, और तब तक हम क्या करेंगे, अपने पनीर की तैयारी कर लेंगे। अब पनीर मेरा बनने जा रहा है एक इजी वाला पनीर मखनी, इतना क्विक कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। इसके लिए पहले 4 से 5 टमाटर काट लेते हैं। टमाटर कट, और इसी के साथ साथ ये जो फिरनी है इसकी चीनी भी पक चुकी है। अब गैस को कर देंगे बंद, और अब इसमें ऐड करेंगे हम इलायची का पाउडर। इलायची एक बहुत ही डेलिकेट फ्लेवर होता है, तो कभी भी पकते वक्त साथ में इलायची मत ऐड कीजिए। जब आपकी कुकिंग फिनिश हो जाए तब इसमें इलायची का पाउडर ऐड करेंगे, सो दैट इट गिव्स अस द बेस्ट फ्लेवर। अब गैस को बंद कर चुके हैं ना, इसे हटा दे रहे हैं और रख दे रहे हैं ठंडा होने के लिए एक तरफ, और ये जो पुलाव हमारा पक रहा था अब इसमें मैं थोड़ी सी फ्रोजन मटर ऐड कर दूंगी। पहले मटर मैंने इसलिए नहीं ऐड की थी क्योंकि वो अपना कलर सारा लूज कर जाती, और फ्रोजन मटर हाफ कुक्ड होती है। अब अपने मिक्सी जार में मैं लूंगी ये कटा हुआ टमाटर, इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, 3 से 4 कली लहसुन की, 12 से 15 काजू, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और इसको पीस करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लूंगी। अब क्या करेंगे, इसे पहले एक छन्नी से छान लेंगे, जस्ट टू एंश्योर कि जो हमारा पेस्ट है ना उसमें कहीं कोई लम्स नहीं रह गए हैं, और जो काजू है वो भी अच्छे से पिस चुका है। थोड़ा सा पानी डाल के ना मिक्सी को वॉश करके इसको भी इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए, अब इससे क्या होगा, ये जो बीज छिलका या फिर जिंजर का फाइबर है ना वो निकल जाएगा। क्योंकि मैंने इसमें प्याज नहीं ऐड किया है ना, इसलिए मुझे इसे कुक करने में ज्यादा देर भी नहीं लगेगी। और जहां तक देर की बात है, ये देखिए पुलाव भी पक्के रेडी हो चुका है। गैस को कर दूंगी बंद, और अब इसे खोलूंगी नहीं, 5 मिनट के लिए मैं इसे इसी तरह से स्टैंडिंग टाइम दूंगी। तो फिरनी डन, पुलाव भी डन, बारी आती है पनीर को फिनिश करने की, और उसके लिए पहले यहाँ एक पैन चढ़ा लिया जाए। अब पहले लेंगे पैन में 1 टेबलस्पून बटर। बटर जैसे ही सिजलिंग पे आ जाएगा इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटा चम्मच शाहजीरा, और इसी के साथ साथ 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी, टू गिव इट अ वेरी नाइस कलर। ये आप इतनी जो बबलिंग देख रहे हैं ना, ये बटर की है। बटर में होता है थोड़ा सा पानी,
जो कि घी या फिर ऑयल या फैट के साथ मिलने से बबल करने लग जाता है। अब ऐड कर देंगे हमने ये जो पेस्ट प्रिपेयर करके रखा हुआ है ये पेस्ट, और इसे कुक कर लेंगे हम कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। अब एज पर आर प्लान, जब तक पनीर या यहाँ पर पनीर की ग्रेवी कुक होती है ना, तब तक हम अपना रायता प्रिपेयर कर लेंगे। और रायता खीरे का बन रहा है ना, इसलिए बनाना इसको बहुत ही आसान। बस अपनी दही लीजिए, खीरा लीजिए, इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए, लेकिन बिना इसको पील किए ग्रेट करके हम अपने रायते में ऐड करेंगे। दही को पहले थोड़ा सा व्हिस्क कर लेंगे। रायता भी डन। अब पनीर को क्यूब्स में कट कर लेते हैं। तो 1 इंच के टुकड़े में कट कर लूंगी पनीर के। 6 मिनट बचे हैं, मेरा समय बढ़ता जा रहा है और कोशिश मेरी यही है कि जैसे आपसे प्रॉमिस किया है कि आधे घंटे के अंदर आपको ये पूरा मील बना के दिखा दूं, वो वाकई कर लूं। देखिए, हो सकता है आपको घर में आधे घंटे की जगह 40 मिनट लग जाएं, लेकिन यकीन मानिए दिस इज क्वाइट पॉसिबल, किया जा सकता है ये। अब इसमें ऐड करते हैं नमक स्वाद के अनुसार, और इसी के साथ साथ केवल 1 चुटकी ऐड करूंगी मैं इसमें चीनी। वो किस लिए? टमेटो की टार्टनेस को बैलेंस करने के लिए। अब इसे अच्छे से मिक्स करके आप कवर करके पक जाने दीजिए कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये जो पनीर है इन सारे फ्लेवर्स को अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले। और तब तक हम क्या करेंगे? अरे अभी हमारा स्टार्टर रह गया है भाई, उसके लिए थोड़ा प्याज थोड़ा सा टमाटर कट कर लेंगे अपनी भेलपूरी कप्स के लिए। अभी प्याज टमाटर एक बोल में निकाल लेते हैं, थोड़ी सी धनिया भी ले लेंगे, और थोड़ी धनिया जो है ना वो मैं ऐड कर दूंगी अपने पुलाव में भी। खुशबू भी बढ़िया आ चुकी है, और आप देखेंगे एक एक चावल का दाना कैसे खिल चुका है इसमें। पुलाव भी रेडी, फिरनी भी रेडी, रायता भी रेडी, और ये पनीर भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। देखिए इसमें जितना तेल और बटर हमने ऐड किया था ना, सब ऊपर तैरने लग गया है, खुशबू बढ़िया सी आने लग गई है। अब इसे फिनिश करने के लिए मैं ऐड करूंगी इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और 1 चम्मच कसूरी मेथी। अब फाइनली एंड करने के लिए ना, फिनिश करने के लिए इसको डालूंगी मैं इस पे केवल 1 टेबलस्पून क्रीम। नाउ अगर आपके पास घर में क्रीम ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप घर की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसे हल्का सा फेंट लीजिएगा। अब सारी तैयारी डन, बस गेस्ट जब आएंगे खाना एक बार दोबारा से गरम करूंगी और सब कुछ सर्व कर दूंगी। और जैसे मैंने कहा था कि अपने स्टार्टर की सिर्फ तैयारी करके रखूंगी, पहले से बना करके नहीं रखूंगी, नहीं तो वो सॉगी हो जाएगा। तो ऑल माय वेजिटेबल्स डन। ये रहा मेरा मुरमुरा, या जिसे हम लैया कहते हैं, पफ्ड राइस। इसी के साथ साथ कुछ चटनीस और ये दालमोट जो इसके साथ मिक्स करूंगी मैं। मेरे गेस्ट तो आ गए। अब आप ये 3-course meal घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपके गेस्ट को कैसा लगा।